नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। करनाल के सूरज नगर में रात को एक परिवार के अंदर निजी कारणों से झगड़ा हो जाता है। झगड़े का कारण क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वहां पर विक्रम नाम का जो एक शख्स है यानी कि जो पति है वो अपनी पत्नी के ऊपर चाकुओं से वार करता है। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ये पूरी वारदात होती है। वहाँ पर उनका बेटा भी मौजूद था। पत्नी का नाम संगीता बताया जा रहा है। जो घटना हुई तकरीबन 12 बजे के आसपास हुई। जो पूरा ये मामला है वो सेक्टर 32 और 33 थाने के अंदर आता है। कटाबाग जगह है, उसके पास एक सूरज नगर पड़ता है, वहाँ का ये पूरा मामला है। हमारे साथ इस समय सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह जी से जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। सर, क्या जानकारी मिलकर आई है, क्या पूरा मामला निकल कर आ रहा है? आज रात को करीब 1 बजे के करीब सरकारी हॉस्पिटल से हमारे पास इतला गई कि भी संगीता वाइफ ऑफ विक्रम डेड ब्रॉट आया है। तो हमने यहाँ आके देखा, उसके शरीर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। रात को अभी उनके वारसान सारे इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने हमने अभी स्टेटमेंट दिए संगीता के भाई ने, अजय ने। ये मियाँ बीबी का ही कोई अंदरूनी मामला है और आज रात को उनका संगीता का लड़का है अनमोल 14 साल का, वो वहीं सोया हुआ था, उसको चीखें सुनाई दी भाई मुझे बचा लो। वो उठा तो उसने देखा उसकी मम्मी खून से लथपथ पड़ी हुई थी चारपाई पर और उसका पापा बाहर उल्टियां कर रहा था। उसने शोर मचाया तो उसके पास उसका पड़ोसी है विक्रम का भांजा अनिल कुमार आया। अनिल कुमार ने अपना संगीता के भाई को फ़ोन किया, वो भी पड़ोस में ही रहते थे, वो भी आ गया संगीता का भाई। तो उन्होंने फटाफट जल्दी में अपना संगीता को और उसको विजय को दोनों विक्रम को दोनों को यहाँ हॉस्पिटल में आए। संगीता रास्ते में डेड हो गई और उसको इलाज के लिए दाखिल करा दिया अमृतधारा। तो अभी 302 का FIR दर्ज की जा रही है। उसके बाद हत्या करके आत्महत्या करने का प्रयास है, उसने भी पॉइजन खाया है और वो भी अभी इलाज के लिए अमृतधारा में दाखिल है। क्या काम करता था ये विक्रम? ये सब्जी का काम करता है। मौके पर कोई सुसाइड नोट वगैरह तो ना? ऐसा कुछ नहीं मिला है, बाकी अभी FSL की टीम को मुआयना कराएंगे, उसके बाद जो भी होगा। कारण सामने निकल कर आ रहा है? कारण सामने कुछ नहीं है, बस अंदरूनी मियां बीबी का ही कोई झगड़ा है। तो ऐसा है कि जिसने चाकू मारा उसके बारे में कुछ अभी तक सुराग लगा? उनके पति, वो तो खुद उसका पति है, वो दाखिल है अमृतधारा में। वो उसके बारे में कुछ सूचना है कि वो पूरा हुआ? उनकी स्थिति कैसी है अभी? अभी उनकी स्थिति सीरियस है और अभी देखते हैं पहले। वारदात कितने बजे के आसपास? वारदात 12 बजे के करीब है, 11:30-12 बजे करीब है रात को। अभी जांच करेंगे FIR। तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। आप परिवार से जुड़े हुए हैं? आप रिश्तेदार हैं? क्या क्या पूरा मामला है? मामला तो ये कि पति पत्नी के बीच में ही हुआ जी, जो भी हुआ पति पता ये लगा है कि इसका जो पति है उसी ने उसके ऊपर हमला किया। रात जैसे ये परिवार के लोग उठा के लेके आए हॉस्पिटल में, संगीता जो उसकी पत्नी है उसने हॉस्पिटल के गेट पे दम तोड़ दिया, तो उसने भी सलपास की गोली खा ली है उसके पति ने। वो अमृतधारा में भी सीरियस है, तो वहीं पे घर में ही गोली खा ली थी। हाँ, उसी टाइम मौके पे ही, क्योंकि जब उसको हॉस्पिटल लेके तो वो भी उल्टियां कर रहा था, उसको खून की उल्टी शुरू हो गई थी, तो उसको भी हॉस्पिटल लेके आए जी। तो हॉस्पिटल में सिर्फ उसने डॉक्टर से एक बात की है कि मैंने दवाई खाई, उसके बाद से वो भी बेहोश है। मामला तो उसी को ही मालूम है जी, किस बात पे उसने चाकू मारा। कौन कौन था घर पे? कौन कौन? सिर्फ इनका एक छोटा बच्चा था 12-14 साल का। जैसे चिक्के की आ जाए तो उठा, वहाँ पड़ोस में किसी अंकल को बुलाने गया, इतने में तो उसका भी काम कर दिया और उसने गोली भी खा ली, क्योंकि रात का टाइम था तो गहरी नींद में सब बच्चे को भी मदद के लिए चिक्के मारी तो उठने में टाइम लगा, तो इसलिए पहले कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसी कोई नहीं, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया जी, ना परिवार की तरफ से सुनने में आया, ना उसकी ससुराल की तरफ से सुनने में आया कोई लड़ाई झगड़ा। आपका नाम? मेरा नाम रामकरण है जी। अंकल जी, आप भी परिवार से हैं? तो तमाम लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। पूरा वाक्या हम आपको एक बार बता देते हैं कि करनाल के सूरज नगर जो कटाबाग के गांव है उसके पास का इलाका है। ये पूरा जो मामला है वो सेक्टर 32-33 थाने के अंदर आता है। घटनाक्रम तकरीबन रात 12 बजे का है, जब पति विक्रम अपनी पत्नी संगीता के ऊपर चाकुओं से वार कर देता है और उसके बाद आत्महत्या करने का प्रयास करता है जहर खा के। तो जब दोनों को गंभीर हालत में
हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा होता है, तो उस दौरान जो पत्नी है संगीता वो दम तोड़ देती है और पति का फिलहाल इलाज चल रहा है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो पति है विक्रम वो सब्जी बेचने का काम करता है और फिलहाल शव को, महिला का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया गया है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मोर्चरी हाउस के बाहर से। हमने आपको बताया कि कल देर रात 12 बजे के आसपास एक ऐसा हादसा हुआ जिसके अंदर पति ने चाकू मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये सारी घटना जो है, उस वक्त उनका एक छोटा बेटा जो है वह घर में मौजूद था और वह सो रहा था। उसने चीखों की आवाज़ सुनकर जो है उसकी नींद खुली और आसपास के लोगों को इस बारे में उसने जानकारी दी, जिसके बाद आसपास के लोग उन पति पत्नी को जो है अस्पताल लाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान जो है पत्नी अपना दम तोड़ देती है और पति जो है इस वक्त बहुत गंभीर हालत में है और निजी अस्पताल में एडमिट हैं। हमने सेक्टर 32-33 थाने के SHO से भी बात करी है और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है हत्या और आत्महत्या करने के लिए। अब बड़ा सवाल यही है कि आसपास के लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि पति पत्नी की जो है पहले कभी भी इस तरह से झगड़ा नहीं हुआ, कोई आपसी उनकी कोई झगड़ा नहीं था, पर कल रात ऐसा क्या कुछ हुआ होगा कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और आगे की तस्वीरों के लिए जुड़े रहें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।